Hey cuties, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So guys, in today's video I am going to review eye brush set which I got from Amazon. तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है स्पेशली बिगनर्स के लिए. सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना. सो या विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो गाइज हियर इज द सेट विच आई गॉट फ्रॉम Amazon. एंड मैंने काफी सारे मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मैं ब्रशेज यूज करती हूँ वो सभी मैंने Amazon से बाय किए. तो रिसेंटली आई गॉट दिस सेट जो कि है ये आई ब्रशेज का सेट. एंड इन दिस सेट यू विल गेट 12 ब्रशेज जो कि बहुत ही ज्यादा है राइट. एंड ये बहुत अफोर्डेबल है. प्राइस की हम बाद में बात करेंगे, फर्स्ट हम इस की बात करते हैं. सो लिंक आपको मिलेगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके सो ये जो ब्रांड है ये ब्रांड था स्टार्ट मेकर्स और काफी फेस ब्रशेस भी है मेरे पास इसी ब्रांड से. अगर आपको फेस ब्रशेस का सेट का रिव्यू चाहिए देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. सो ये कुछ ना इस तरह के पोटली बैग सॉर्ट ऑफ में आती है. एंड इस पे मेंशन है प्राइस यहाँ पे 4000 समथिंग बट ये बहुत अफोर्डेबल है ट्रस्ट मी. तो ये काफी ज्यादा प्यारा सा पोटली बैग है और बहुत क्यूट है. इसमें आपकी ब्रशेस ना बहुत अच्छे से सेफ रहने वाली है. एंड देन फिर ये इस टाइप के कुछ यू नो पॉली में आपकी ब्रशेस जो है वो आपको रिसीव होंगी. आज यही ब्रशेस को मैंने यूज किया है. सो यहाँ पे है हमारी टोटल 12 ब्रशेस. फर्स्टली हम इसके लुक की बात करेंगे ब्रशेस की. सो आपको ना कुछ इस टाइप का लुकिंग मिलने वाला है रेड इन कलर में. एंड देन फिर गोल्डन कलर का यहाँ पे डिटेलिंग है. एंड देन फिर आपकी ब्रश है जो इसकी क्वालिटी है वो टॉप नॉच है. लाइक ये देखो इस टाइप से ना मैं खींच रही हूँ बट बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला. लेंथ जो है वो कुछ इतनी आने वाली है. बहुत ज्यादा लॉन्ग ब्रशेस ये नहीं है, काफी सही है क्योंकि हम इस टाइप से ब्रशेस को होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से ये यूज कर पाओगे आप. ओके कुछ इस टाइप के आपको ब्रिसल्स मिलने वाले हैं. फोकस नहीं कर रही है. कुछ इस टाइप के आपको ब्रिसल्स मिलेंगे, बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स है. जी मैं ना प्राइस ही आपको बता देती हूँ. ये ब्रश सेट मैंने बाय किया है जस्ट 349 का. एंड 349 में आपको 12 ब्रशेस मिल रही है. लाइक मैंने बहुत पहले एक पैक की ब्रश बाय की थी वो ही ओनली 500 to 600 की पड़ी थी मुझे. अभी आपको 12 ब्रशेस मिल रही है जिनकी क्वालिटी टॉप नॉच है. तो ये आप 12 ब्रशेस देख सकते हो. अच्छा इनमें ना कुछ कुछ का कलर थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा कलर में. कुछ तो बिल्कुल व्हाइट कलर की है हेयर ब्रशेस के, कुछ के ब्लैक है. तो ये ऐसा कैसे है? ओके और अभी तो कुछ इनकी पिंक हो चुके हैं हेयर बिकॉज मैंने आज इनको यूज किया था. सो ये तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ब्रश किस काम आने वाली है एंड इजिली आप कैसे इसको यूज कर पाओगे. बात करेंगे फर्स्ट इन थ्री ब्रशेस की जो कि है ब्लेंडिंग ब्रश. एंड सभी का साइज जो है ना वो डिफरेंट है. एक थोड़ी ह्यूज है, फिर उससे छोटी है, फिर सबसे छोटी है. तो ये सबसे ह्यूज है, फिर ये थोड़ी छोटी, फिर ये थोड़ी छोटी है. ये तीनों जो ब्रशेस है ये ब्लेंडिंग के लिए है. आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस होती है ये. तो जो सबसे बड़ी वाली है सबसे फर्स्ट हम उसकी बात करते हैं. तो ये किस काम आने वाली है? तो ये काम आएगी पूरा आपको ब्लेंड करना है किसी भी शेड को. सबसे फर्स्ट हम यूज करते हैं एक ट्रांजिशन शेड को. अगर आप आई लुक करते हो तो एक बहुत ही लाइट सा शेड हम यूज करते हैं. आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं यूज करके भी दिखाऊंगी सो डोंट वरी. सो फुल आईलिड पे अगर आपको ब्लेंड करना है अपने आई शेडो को तो उसके लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप थिक ऐसी कोई ब्रश ले सकते हैं जो इस टाइप की हो, थोड़ी डेंस हो, थोड़ी थिक हो. तो ऐसी ब्रश को आप यूज कर सकते हैं, अच्छे से ब्लेंड कर देती है. एंड जो इनकी ब्लेंडेबिलिटी आप ये देखो, इस टाइप से इजिली आप ब्लेंड करोगे, बहुत इजिली आपका कलर ब्लेंड हो जाता है. और ये वाली ह्यूज वाली इसी काम आएगी कि आपको कुछ ऐसा ब्लेंड करना है जो फुल आईलिड पे करना है. अगर आपको स्पेसिफिक एरिया पे ब्लेंड करना है, अपने आउटर वी पे ब्लेंड करना है तो फिर उसके लिए आप थोड़ी छोटी वाली ब्लेंडिंग ब्रश के लिए जाएंगे. जैसे आप इस वाली ब्रश का यूज कर सकते हैं अगर आपको आउटर वी पे प्लेस करना है कोई भी कलर, या फिर आपको क्रीज लाइन को डिफाइन करना है तो फिर ये छोटी वाली ब्रश के लिए जाओ. बिकॉज इससे जो आप आई शेडो जहां प्लेस करना चाहते हो वहीं होगा, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होगा और ना ही ज्यादा फैलेगा, कंट्रोल रहेगा. उससे भी अगर आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन चाहिए, बहुत ही कहीं ऐसा है कि कुछ आपको बहुत हल्का सा ही ब्लेंड करना है, बहुत हल्की लाइन आपको कुछ ब्लेंड करनी है, तो आप सबसे स्मॉलर जो ब्रश है उसको यूज कर सकते हैं. या फिर आपको लोअर लिड पे ब्लेंडिंग करनी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश को. सो स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश कुछ इतना स्मॉल आएगा एंड इससे आप इजिली जो भी अपने
अपर लिड और लोअर लिड पे आपको कुछ भी ब्लेंड करना है कर सकते हो बहुत ही प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए। तो तीन ब्लेंडिंग ब्रश आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेज हैं और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। अच्छा एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि कुछ ब्रशेस के हेयर जो हैं वो व्हाइट हैं, कुछ के ब्लैक के, तो ऐसा क्यों है? सो ये तो सिंथेटिक हेयर हैं और ये नेचुरल हेयर है। इनका फर्क क्या होता है कि इससे सिर्फ आप पाउडर प्रोडक्ट्स को ही ब्लेंड कर सकते हो जो सिंथेटिक वाली है, और जो नेचुरल वाली होती है ब्लैक वाली, इससे आप क्रीम प्रोडक्ट्स को ईजिली ब्लेंड कर पाओगे। जो सिंथेटिक हेयर की है ना, इससे क्रीम प्रोडक्ट्स ब्लेंड नहीं होंगे, बट ये जो ब्लैक कलर की है नेचुरल हेयर वाली, इनसे क्रीम प्रोडक्ट्स को ईजिली ब्लेंड कर सकते हो। तो जैसे भी अगर आपको कोई भी ब्लश को अप्लाई करना है या फिर कोई क्रीमी लिक्विड आई शेडोज है तो उसके लिए आप इनको यूज करोगे ब्लैक वालों को तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम ये दो ब्रशेस की बात करते हैं। ये भी काफी यूज होने वाली ब्रशेस हैं दोनों ही, एंड दोनों थोड़ी सिमिलर सी ही लग रही है। मतलब अगर बिगनर देखेगा तो उसको इतना डिफरेंस नहीं समझ आएगा। तो क्या डिफरेंस है इसमें? तो ये देखो, ये जो है ये वाली, ये जो है ना, ये है फ्लैट शेडर्ड ब्रश, ओके। एंड ये जो है ना, ये है एंगुलर ब्रश। इसमें आप देख रहे हो एक एंगल बना हुआ है, इस वाली में एक एंगल ऐसे करके बना हुआ है, तो ये बेटर रहती है आईब्रोज फिल करने के लिए। आईब्रोज का जो आप चाहते हो एप्लीकेशन बहुत प्रिसाइज हो, बहुत अच्छी लगे, और एक अच्छे से अगर आपको अपने आईब्रोज को ड्रॉ करना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन, बिकॉज ये इतनी डेंस नहीं होती, बहुत ही थिन होती है, तो आपकी आईब्रोज ईजिली फिल हो जाते हैं, एज वेल एज कहीं छोटे छोटे सेक्शन में फिल करना है, या फिर इस जगह पे बहुत हल्के हाथ से फिल करना है कि हमारे सिर्फ हेयर जैसा ही लगे। तो इसकी इतनी ऐसी एप्लीकेशन होगी कि आपका एक हेयर जैसा ही लुक आने वाला है, थोड़ा नेचुरल काइंड ऑफ। प्लस आप इससे जेल लाइनर्स वगैरह, या फिर अगर आपके पास कुछ भी लिक्विड लाइनर है, कुछ भी ऐसा है, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज ये एंगुलर है तो लाइनर बहुत ही इजिली ड्रॉ होगा और एक विंग अच्छे से आप इसकी हेल्प से क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट वी हैव दिस फ्लैट शेडर्ड ब्रश। इसका क्या यूज होने वाला है कि अभी मैंने कट क्रीज किया है, कट क्रीज करने के बाद अगर आपको कोई ग्लिटर यूज करना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। अगर आपको शिमर यूज करना है तो भी काफी अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे। तो बेसिकली फ्लैट शेडर ब्रश जो भी होती है उससे हम ग्लिटर्स को अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली अप्लाई हो जाती है। वैसे तो शिमरी शेड ना फिंगर की हेल्प से ज्यादा बेटर अप्लाई होते हैं, ट्रस्ट में, मानो या ना मानो यूज करके देखना, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा बेटर एप्लीकेशन चाहिए, थोड़ा ऐसे प्रोफेशनल काइंड ऑफ लुक चाहिए, या फिर ऐसे ट्राई कर रहे हो और वीडियोस वगैरह के लिए चाहिए कुछ अलग से, तो आप इस टाइप की फ्लैट शेडर ब्रश को यूज कर सकते हैं। ग्लिटर्स बहुत अच्छे से प्लेस होगी, शिमर तो इतने अच्छे से प्लेस नहीं होगा इससे, बट ग्लिटर्स बहुत अच्छे से प्लेस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है हमारी ये वाली ब्रश। ये भी आपको फ्लैट शेडर्ड ब्रश लग रही होगी, बट ये थोड़ी ज्यादा डेंस है, इसकी थोड़ी ज्यादा डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कंसीलर के लिए। प्लस ये ब्लैक हेयर वाली है तो इससे ना आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पिक करता है, तो कंसीलर वगैरह जो है इजिली पिक हो जाता है। तो अगर आप अंडर आइज में भी कंसीलर लाइक इस टाइप से कुछ, मान लो इस टाइप से अप्लाई करके ब्लेंड करोगे ना तो इजिली ब्लेंड होता है। तो जो भी प्रोफेशनल आपने देखे हो तो वो इस टाइप के कंसीलर के लिए ब्रशेस यूज करते हैं, और नहीं तो आप जैसे अपर लिड पे भी अगर आपको कुछ कंसीलर अप्लाई करना है तो इसकी हेल्प से अप्लाई कर लो। सेकंड, कट क्रीज करना है तो कट क्रीज के लिए परफेक्ट रहेगी, बिकॉज इससे जो कट क्रीज होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत एक शार्पनेस आती है, बहुत अच्छा लगता है, और क्रीम प्रोडक्ट को अच्छे से पिक कर लेता है, एंड इजिली आप इसको यूज कर सकते हो। सो काफी सही प्रोडक्ट है ये। अब हमारे पास ये 6 ब्रशेस बच गए जिनका मैं कम ही यूज करती हूँ, और आई नो कि बिगनर भी कम यूज करेंगे, बट अब मैं 1 by 1 आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये छोटू ब्रशेस की बात कर लेते हैं। दो जो हैं ये सेट में, ये सेट में ना सबसे छोटे से लग रहे हैं। जो है ये ब्रश कुछ इस टाइप का आता है, आप देखो बिल्कुल थिन है, बहुत ही थिन है, तो इससे आप इसको एज अ आई लाइनर ब्रश यूज कर सकते हैं और एज अ लिप लाइनर ब्रश यूज कर सकते हैं, बिकॉज इससे बहुत प्रिसाइज एप्लीकेशन होती है। और ये ना बहुत ऐसा नहीं है कि एक होता है ना ब्रश जो ऐसे ऐसे कहीं भी लुढ़क गया वो वाला सीन है, काफी अच्छी क्वालिटी है, तो इससे आपका जो लाइनर है वो आप जैसे चाहते हो वैसे ही अप्लाई होगा, बहुत अच्छी एप्लीकेशन आने वाली है इससे, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई लाइनर या फिर लिप लाइनर लगाना है तो इसको यूज करो। अब बात करें इस वाले ब्रश की, तो ये वाली ब्रश भी काफी ज्यादा स्मॉल है,
तो ये ना तो ब्लेंड करने के काम आएगी ना ही लाइनर लगाने काम आएगी, बिकॉज लाइनर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी थिक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे जो इनर कॉर्नर्स है उनको हाईलाइट करो। एक प्रिसाइज एप्लीकेशन आती है, क्योंकि इनर कॉर्नर्स के लिए हमें बहुत एक छोटू ब्रश चाहिए होती है, बहुत बड़ी नहीं चाहिए होती, तो इनर कॉर्नर्स के लिए आप यूज कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप कभी कभी ऐसा लुक क्रिएट करो, थोड़ा सा स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि लाइट ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर ली, फिर उसके ऊपर डार्क ब्राउन कुछ तो लाइनर की तरह थिक हमें अप्लाई करना है, लाइनर नहीं अप्लाई करना लेकिन लाइनर के लुक में एक आई शेडो अप्लाई करनी है, तो फिर आप ऐसी ब्रशेस के यूज कर सकते हैं, बिकॉज इससे काफी अच्छी एप्लीकेशन हो जाएगी। लास्ट हमारे पास ये चार ब्रशेस, इनकी बात करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट वी हैव दिस ब्रश, जो कि बहुत ज्यादा ही डेंस है, बहुत फ्लफी है, इसके जो हेयर है वो बहुत अच्छे हैं। एक और चीज गाइस, इनके ना हेयर बिल्कुल नहीं निकलते, बहुत ब्रिसल्स, बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत सॉफ्ट है ओके। और ये वाली ब्रश बहुत अच्छी है, तो इससे आप आई शेडो को ब्लेंड करोगे तो बहुत इजीली ब्लेंड होगी। अगेन वही बोलूंगी कि फुल आई लिड पे अगर कुछ यूज करना है तो उसके लिए जाना, एक प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी, बिकॉज बहुत ही थिक है ये वाली ब्रश, ठीक है। तो आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लस प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, हाईलाइटर लगाने के लिए फैन ब्रश का यूज करते हैं, तो उससे ना लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता और वो नेचुरल सा लुक नहीं आता। तो आप ऐसी ब्रशेस के लिए जाओ, मतलब ये ना इजिली आपके हाईलाइटर को अप्लाई कर देंगी और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी करती है, तो एक नेचुरल सा लुक अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो। एज वेल एज कुछ भी क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई करना है, कुछ भी, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इसके नेचुरल हेयर है। देन वी हैव दिस ब्रश, जो कि फ्लैट शेडर काइंड ऑफ ही है, लेकिन थोड़ी सी डेंस है, थोड़ी थिक है, सो इससे भी आप चाहें तो कंसीलर वगैरह यूज कर सकते हैं और कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। कंटोरिंग के लिए स्पेशली ये काम आ सकता है, नोज कंटोरिंग अगर आपको करनी है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। देन वी हैव दीज ब्रशेस, ये देखने में थोड़ी सी ऐसे लगता है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस नहीं है। थोड़ा सा लुक जो है इनका वो बहुत थिन है, मतलब इनसे आई शेडो ब्लेंड नहीं होगी। तो आप इनसे क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी लाइक ब्रॉन्जिंग करने हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ लुक चाहिए, थोड़ा शार्प लुक चाहिए, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। नोज के लिए कंटोरिंग करनी है नोज पे, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। तो इस टाइम इसी टाइप से यूज कर सकते हैं इनको। लोअर लैशेस पे यूज करना है कुछ प्रोडक्ट लाइक आई शेडो वगैरह को ब्लेंड करना है, तो उसके लिए भी आप इसके लिए जा सकते हैं, मतलब ये वाली ब्रशेस यूज कर सकते हैं। इनका कोई खास यूज नहीं है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कोई ज्यादा ब्रशेस नहीं है आपके पास, तो ये ब्रशेस काम आ जाएंगी। सो गाइज दैट्स ऑल, ये थी ब्रशेस जो कि मैं पर्सनली अभी यूज करने वाली हूँ। अभी रिसेंट में ही मैंने बाय की थी और मुझे नहीं पता था कि यार ये इतनी सही वाली है। एक बिगनर को जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्रोफेशनल लोग इसको इतना यूज कर पाएंगे, बिकॉज ये इतना बहुत अच्छा सा ऐसे वर्क नहीं करती। ऐसे अगर आपका प्रोफेशन ही है, अगर आप बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हो, तो फिर आप इसको मत बाय करना, अपने किट में मत लेना, यू नो क्लाइंट्स पे यूज करने के लिए। अगर आप बिगनर हो और आप आई लुक्स सीखना चाह रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए जरूर जा सकते हो, बिकॉज लुक बहुत अच्छा ये क्रिएट कर देंगे, वर्क बहुत अच्छा करते हैं, और कोई भी एक अच्छे ब्रशेस के अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, नो डाउट। मुझे काफी सही लगे और ये जस्ट ना 349 के अकॉर्डिंग दे आर बेस्ट है, सो आप इनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। Amazon से मैंने बाय किया था, ब्रांड है स्टार्ट मेकर्स, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो देन प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।